आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये हमारे टीएस ग्रेवल की बुक का क्वेश्चन है, चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स। अगर इशू ऑफ शेयर्स के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पे क्लिक करो। मेरे वीडियो पूरा अवेलेबल है इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए, उसे समझो, नोट्स बनाओ और फिर मेरे साथ एक्सरसाइज से क्वेश्चन करो। फिलहाल आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बच्चों को लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन इसे थोड़ा इजी करके मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए पहले करते हैं क्वेश्चन को रीड। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि मॉडर्न डायरीज लिमिटेड एक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है कितनी कैपिटल से, ₹10 लाख से, ठीक है, जिसमें कि इन्होंने क्या करा, उस ₹10 लाख में इनके जो शेयर्स हैं वो की उसकी वैल्यू कितनी है, 100 ईच। तो हम पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बना लेते हैं उस 10 लाख के, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, हमें उसके लिए सिंपल एक प्रोसीजर है जो कि हम क्या करेंगे, कंपनी कितने से रजिस्टर्ड है, 10 लाख रुपए से रजिस्टर्ड है ना, और उनके हर शेयर की वैल्यू कितनी लिखी है इस क्वेश्चन में, यहाँ लिखी है 100। तो हमें क्या करना है, इसे 100 से बस डिवाइड कर देना है। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कंपनी के पास जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 10,000 शेयर, ठीक है। यानी कंपनी क्या कर सकती है, मार्केट में सिर्फ ₹10,000 के ही शेयर मार्केट में इशू कर सकती है, 10,000 शेयर मार्केट में इशू कर सकती है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जो शेयर है ये डिवाइडेड है कुछ हिस्सों में, कैसे कैसे डिवाइडेड है वो समझते हैं। तो जो 10,000 शेयर है इनमें से, जो 10,000 शेयर है इनमें से 7,500 जो शेयर है वो इक्विटी शेयर है, ठीक है। आई होप सभी को पता होगा कि इक्विटी शेयर क्या होते हैं, हमने पढ़ा होगा बुक्स में। इसके बाद सेकंड जो हमारे बचे हुए शेयर हैं जो कि कितने हैं, 2,500। 2,500 शेयर कितने हैं, कौन से हैं, प्रेफरेंस शेयर हैं। तो दो तरह के शेयर होते हैं ना हमारे पास, तो यहां पर दूसरे जो 2,500 बचे हुए शेयर है उसमें से वो है प्रेफरेंस शेयर। तो जो दो तरह के शेयर है इसमें हिस्सा डिवाइड हो गया। अब कंपनी क्या कर सकती है, 7,500 इक्विटी शेयर है, 2,500 प्रेफरेंस शेयर है, इन्हीं शेयर को मार्केट में उतारेगी, या तो पूरे उतार देगी या फिर इसमें से कुछ उतारेगी, है ना। अब अगर मार्केट में क्या करा जाएगा, पूरे के पूरे शेयर बेच दिए जाएंगे तो कंपनी की ओनरशिप तो चली गई। तो कंपनी हमेशा क्या करती है, कंपनी अपने जो भी टोटल नंबर ऑफ शेयर उनके पास होते हैं उसमें से कुछ ही शेयर मार्केट में इशू करती है, ठीक है, ताकि उससे उनकी ओनरशिप बनी रहे, ठीक है। अभी आगे समझते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हुए। क्वेश्चन में लिखा है 7,500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 25,100 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, 1,000 इक्विटी शेयर एंड 500 प्रेफरेंस शेयर वर ऑफर्ड। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने क्या करा, जो 7,500 इक्विटी थे और जो हमारे पास 2,500 शेयर थे प्रेफरेंस के, उसमें से सिर्फ 1,000 शेयर इक्विटी के और 500 शेयर प्रेफरेंस के इन्होंने मार्केट में उतारे, ठीक है। तो इसे हमने क्या करा, यहाँ पे लिख लिया, इक्विटी के कितने उतारे 1,000, प्रेफरेंस के कितने उतारे 500, ठीक है। इसके आगे कहते हैं कि जो प्रेफरें इक्विटी शेयर थे उसमें कितना कितना पैसा लेना है, ₹10 लेना है एप्लीकेशन पे, 40 लेना है अलॉटमेंट पे, और बैलेंस आ जाएगा इन द टू कॉल्स, ठीक है, और टू कॉल्स ऑफ 25 ईच। तो यहां पर इन्होंने अमाउंट हमें बता दिया। अब यहां पे समझते हैं कि कितना कितना पैसा हमारे पास आएगा। भाई इक्विटी में इन्होंने कहा कि हमने कितने शेयर उतारे हैं, 1,000 उतारे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलेगा हमें, इक्विटी में ₹10 मिलेंगे पहले, ठीक है। तो एप्लीकेशन के नाम का हमारे पास, हम यहाँ पे लिख रहे हैं एप्लीकेशन, और अमाउंट आएगा हमारे पास कितना एप्लीकेशन पे, ₹10,000, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आ जाओ अलॉटमेंट पे। इसी पे अलॉटमेंट में कितना पैसा लेंगे, 1,000 शेयर इंटू कितना का है इन्होंने, ₹40 बोला है, ठीक है, हम इसे कर देंगे 40 से मल्टीप्लाई, कौन सी स्टेज पे, अलॉटमेंट पे। तो यहाँ पे कितने मिलेंगे, 40,000, ठीक है। अब खुद अंदाजा लगाओ हमें टोटल पैसा कितना मिलना चाहिए, हमारे 1,000 शेयर हमने मार्केट में उतारे हैं, टोटल कितनी वैल्यू उनकी, हर शेयर की ₹100, तो टोटल हमें मिलने चाहिए 10, यहां पर ₹1 लाख, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी देखो, हमने प्रेफरेंस शेयर में कितने शेयर उतारे, 500, तो 500 इंटू कितने शेयर की वैल्यू, पर शेयर वैल्यू कितनी है 100, तो कितने हो गए 50,000, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ मनी कितना मिलना चाहिए हमें, यहाँ पे 1,00,000 इक्विटी के नाम का और 50,000 मिलना चाहिए हमें प्रेफरेंस के नाम का, तो टोटल हमारे पास जो अमाउंट आना चाहिए 1,50,000 का आना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ वापस आते हैं, यहाँ पे देखो कि हमारे पास कितना शेयर हमने इशू करे थे, 1,000 शेयर इशू करे थे, और इन्होंने कहा है उसके बाद अलॉटमेंट के बाद जो भी बैलेंस बचा हुआ है, कितना बैलेंस बचा है, ₹10 यहाँ ले लिए 100 में, ₹40 यहाँ ले लिए 100 में, तो कितने ले लिए अभी तक हमने, ₹100 में से ₹50 का हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं, अब बचे ₹50, तो उस ₹50 को कह रहे हैं कि 25 ईच के अकॉर्डिंग वो पे करेंगे। सो 25 करेंगे हमें फर्स्ट कॉल पे, जो कि कितना हो गया, 25,000 हो गया, फिर इसके बाद फिर 1,000 आएगा इंटू 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेकेंड कॉल आ जाएगा जो कि कितना आ गया, 25,000 फिर से आ गया। सो टोटल पैसा कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे हम लिख लेंगे
10,000 एक बार, 40,000 एक बार, 25,000 25, तो ये हो गया हमारे पास 1,00,000 रुपए आएंगे। ठीक है, किसके नाम का आएगा? इक्विटी के नाम का आएगा। अब बात करते हैं प्रेफरेंस की भी ऐसी। तो प्रेफरेंस में हमारे पास एप्लीकेशन में कितना पैसा आएगा, क्वेश्चन में देखते हैं। इन्होंने कहा प्रेफरेंस शेयर आर पेबल 25 ऑन एप्लीकेशन, तो 25 तो हमें मिलेगा कहां पे? एप्लीकेशन में मिलेगा, यहां पर। ठीक है, इसको हम इतना लिखेंगे तो यहां पे कितना पैसा आएगा, ये आएगा हमारे पास 12,500 रुपए। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, फिर 500 इंटू, ये तो एप्लीकेशन पे आएगा। ठीक है, इसके बाद हमें अलॉटमेंट पे कितना लेना है प्रेफरेंस का, प्रेफरेंस के लिए उन्होंने बताया 25 अगेन। ठीक है, तो फिर से कितना आएगा, 12,500, जो कि किसका होगा, अलॉटमेंट का होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, 500 शेयर फिर से हमने मार्केट में पैसा लेना है, किसका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए ले रहे हैं, 50 रुपए ले रहे हैं इस बार। ठीक है, तो 50 रुपए ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इसको फटाफट से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और हमारे पास आ जाएगा ये पूरा 25,000 रुपए। ये आ गया हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। सो यहाँ पे हमने टोटल कितना पैसा मंगाया, यहाँ पे हमने मंगाया 50,000 रुपए। ठीक है, 12:30 एक बार, 12:30 एक बार, तो 25,000 ये हो गए। फिर उसके बाद 25,000 फिर मंगाए फर्स्ट एंड फाइनल पे, तो टोटल हो गया 50,000। तो 1,00,000 हमें मंगाना है इक्विटी से, और 50,000 मंगाने हमें कहां से, हमें मंगाने हैं प्रेफरेंस से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने नोट क्या करा, हमने नोट ये करा कि कंपनी के पास थे 10,000 शेयर। ठीक है, जो कि डिवाइडेड थे दो हिस्सों में, 7500 और 2500। लेकिन इसमें से भी इस 7500 में से सिर्फ 1,000 शेयर ही इशू करे, और इस 2500 में से क्या करा, 500 शेयर ही इशू करे हैं कंपनी ने। ठीक है, तो इस कैटेगरी में से थोड़े थोड़े शेयर ही मार्केट में बेचे हैं। ठीक है, अब हमें करनी है इनकी जर्नल एंट्री। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्लियरली एक चीज दिख रही है कि एप्लीकेशन दो जगह आनी है, एक तो इक्विटी की भी आनी है, और फिर हमारे पास किसका आना है, प्रेफरेंस का भी आना है। ठीक है, अब इसमें हम दो चीज कर सकते हैं, या तो हम एक ही जनरल एंट्री बना ले दोनों के लिए, हम उसे कंबाइन कर लेंगे, या फिर आप इसे अलग अलग एंट्री कर सकते हो, दो फॉर्मेट बनेंगे, एक के ऊपर डलेगा इक्विटी शेयर। ठीक है ना, उसमें आ जाएगा इक्विटी के आएंगे सिर्फ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, और फिर से एक फॉर्मेट बनाओगे जिसमें आप क्या करोगे, प्रेफरेंस का मेंशन कर दोगे। ठीक है, या फिर हम इसे कंबाइन भी कर सकते हैं। कंबाइन कैसे करेंगे, यहां पे देखते हैं। पहली एंट्री करेंगे जिसके लिए यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हमारे पास किसका पैसा आया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया। कितना पैसा आया था हमारे पास इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का, यहां पे हमने लिख लिया था, तो डायरेक्टली लिखने वाले हैं कितना आएगा, 10,000 आएगा। ठीक है, वहां पे हम पूरी कैलकुलेशन पहले कर चुके हैं, तो बस हमें एंट्री करनी है। तो ये पैसा तो किसका आ गया, हमारा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का आ गया। इसके बाद दूसरा एक और एंट्री लिखेंगे, जो कि अब किसका होगा, वो सेम अमाउंट आने का होगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का होगा। तो इसमें भी हम एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा आएगा, इसमें कितना आ रहा था हमारा, 12,500, तो हम यहाँ पे लिख दिया 12,500। ठीक है, अब ये पैसे का हम क्या करते हैं, हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट एंट्री आती है कि पहले इक्विटी से रिलेटेड, जो कि हमें क्या करनी है, यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कहाँ जाएगा ये पैसा, ये जाएगा हमारा शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में जाएगा, कितना पैसा जाएगा भाई, जितना आया होगा उतना जाएगा। तो हमारे पास आया था 10,000, तो इसी को यहाँ पे लिखेंगे 10,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारे पास किसका, ये जो बैंक में पैसा आया था प्रेफरेंस शेयर का, इसे भी हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये पैसा कहाँ जाएगा, ये भी शेयर कैपिटल में जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना पैसा जाएगा वहां पे, यहां पे हमें 12,500 मिले थे, तो 12,500 ही जाएंगे हमारे शेयर कैपिटल में। ठीक है, आई होप इजी है, चलो कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद ये तो हुई अभी तक हमारी फर्स्ट स्टेज एप्लीकेशन से रिलेटेड दोनों की। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे, जिसमें हमें क्या दिखाना है, हमारा दिखाएंगे हम अलॉटमेंट का हिस्सा। अब भाई अलॉटमेंट में हमें क्या करना है, सेम पहले हम क्या करते हैं, फिफ्थ एंट्री करते हैं, किससे रिलेटेड, हमारी इक्विटी से रिलेटेड। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैसा मंगाएंगे, किस चीज का पैसा मंगाएंगे, अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे, जिसके लिए एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर
application account debit to share capital. हम लोगों को बोल रहे हैं भाई आप पैसा दो, उसे हम कहाँ डाल देंगे, शेयर कैपिटल में डाल देंगे। अभी हमने जब क्वेश्चन कर रहे थे उसमें अमाउंट कितना डिसाइड करा था कि अलॉटमेंट पे हम कितना, सॉरी यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन मेंशन कर दिया, ये अलॉटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसे अलॉटमेंट करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे अलॉटमेंट में हमें चेक करना है कि कितना पैसा हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और फटाफट से अमाउंट चेक करते हैं कितना कितना आना चाहिए। यहाँ इस अलॉटमेंट में इस पे आना चाहिए 40,000 और इसके अलॉटमेंट पे आना चाहिए 12,500, ठीक है। तो दोनों का अमाउंट हमने देख लिया और यहाँ पे लिखेंगे 40,000। अब हम एक पैसा और मंगाएंगे, वो किसका होगा, प्रेफरेंस शेयर का, ठीक है। सिक्स्थ एंट्री होगी हमारी प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अभी जो पैसा है इसमें कितना पैसा आने वाला है, अभी हमने चेक करा, वो आएगा हमारा 12,500, ठीक है। इसके बाद लोग क्या करेंगे, लोग पैसा भेज देंगे हमारा किस स्टेज के लिए, दोनों स्टेज के लिए भेज देंगे। तो दोनों की एंट्री हमें कहाँ पे लिखनी पड़ेगी, एक आएगी हमारे पास सेवेंथ एंट्री जो कि क्या बन जाएगी हमारी बैंक, सेवेंथ एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, किस चीज का पैसा आ रहा है, अलॉटमेंट का, ठीक है। तो अलॉटमेंट कितना पैसा आएगा, 40,000 आएगा इक्विटी का, ठीक है। फिर इसके बाद हम एंट्री करेंगे किसकी, हम करेंगे प्रेफरेंस की, भाई कि प्रेफरेंस का भी पैसा आ गया हमारे पास। तो यहां पे एंट्री लिख देंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा आने वाला है हमारे पास, हमारे पास आना है 12,500 आएगा, यहाँ पे भी 12,500 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब आएगी हमारी नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेज में हम पैसा मंगाने वाले हैं किस चीज का, अब मंगाएंगे हम फर्स्ट कॉल का। तो दोनों का ही फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाना पड़ेगा, तो दोनों की फर्स्ट कॉल का जो एंट्री आएगी वो क्या आएगी, पहले हम इक्विटी की लिखते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। और वो पैसा कहाँ जाएगा, टू शेयर कैपिटल में जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम एंट्री लिखेंगे किसकी, हम एंट्री लिखेंगे यहाँ पे दूसरे की भी, जो कि क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसका ध्यान रखना क्योंकि उस जो हमारा प्रेफरेंस शेयर है उसकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, ठीक है। और अभी हमारे पास जो हमारा इक्विटी शेयर है उसमें एक कॉल अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट होता है कि इस क्वेश्चन में 9% परसेंटेज का भी दे रखा है कुछ, तो वो एक इल्यूजन है, उसको इग्नोर करना फिलहाल के लिए, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है। टू शेयर कैपिटल, ठीक है। ये तो हम पैसा मंगा रहे हैं, किसका मंगा रहे हैं, फर्स्ट कॉल का मंगा रहे हैं दोनों स्टेजेस पे। तो कितना कितना पैसा मंगाना था एक बार फटाफट से दोबारा से यहाँ पे हमने जो बनाया था चेक करते हैं। देखो फर्स्ट कॉल पे हमने मंगाना था 25,000 और इधर भी 25,000, तो दोनों पे कितना आएगा, 25,000 आएगा। और उसके बाद क्या आएगी, बैंक की एंट्री आ जाएगी कि हमारे पास बैंक में पैसा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा दोनों में ही 25,000। अब इसके बाद क्या आएगी, नेक्स्ट एंट्री आएगी हमारे पास किससे रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, कि अब ये पैसा हमारे पास बैंक में आ जाएगा, ठीक है। तो स्पेस नहीं है फिलहाल के लिए, मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रफ कर रहा हूं। तो यहां पे दोबारा से हम इसे लिख लेंगे, चलो। तो अभी नेक्स्ट एंट्री आएगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा आ रहा है हमारे पास, हमारे पास आ रहा है इक्विटी का, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का आ रहा है, जो कि अभी अभी हमने चेक करा कितना आ रहा था हमारे पास, 25,000 आ रहा था। इसके बाद फिर से हमारे पास दूसरा जो आएगा वो आएगा हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो भी पैसा आ रहा है वो कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है, ठीक है। तो रूल है हमारे पास डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल,
ठीक है। तो इतना हमारे पास आ गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बस ये चीज हमें ध्यान रखनी है, शेयर प्रेफरेंस शेयर के फर्स्ट एंड फाइनल कॉल चल रहा था, ठीक है। तो अब इनमें भी जो अमाउंट आएगा वो कितना कितना आएगा उसको भी फटाफट से यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, 25,000 बोथ। तो हमने यहाँ पे लिखना है 25,000, ठीक है, बस हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास सिंपल सी एक चीज जो कि हमारे पास आएगा फाइनल पैसा, वो भी किसका, इक्विटी का, क्योंकि प्रेफरेंस का तो खत्म हो गया, प्रेफरेंस का तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा आ चुका है, अब हमारे पास रह गया आखिरी, वो है हमारे पास इक्विटी का। तो इक्विटी की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा, सॉरी सेकंड फाइनल कॉल का पैसा हमें यहाँ पे मंगाना है लोगों से, ठीक है। तो उसके लिए एंट्री करेंगे पहले, जो कि क्या आएगी हमारे पास, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, अब ये कहां पे जाएगा पैसा, शेयर कैपिटल में जाएगा, तो शेयर कैपिटल, और फिर वो पैसा हमारे पास आ जाएगा कितना, अभी चेक करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज का पैसा आएगा हमारे पास, आएगा इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अमाउंट जो आएगा हमारे पास कितना आएगा, अगेन 25,000 था वहां पे हमारे पास फाइनल कॉल के लिए, तो वही अमाउंट यहाँ पे हम सेम कैरी करेंगे, ठीक है। तो इतना तो हमारे पास होगी जनरल एंट्री अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके। इसके बाद आता है हमारे पास बैलेंस शीट का पार्ट। तो बैलेंस शीट में हमें क्या चीज दिखानी है, एक बार उसको भी गो थ्रू करते हैं फटाफट से। देखो बैलेंस शीट में हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी आएगा, पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट। अब इसमें हमारे पास क्या मेंशन करना है, हमें मेंशन करना है अबाउट इक्विटी एंड लाइबिलिटी। हमारे पास जो हमने शेयर इशू करे ये हमारे लिए क्या हुई, एक तरह की लाइबिलिटी होगी, ठीक है। ये पैसा हमारे लिए इक्विटी भी कहलाता है, ठीक है, शेयर का पैसा इक्विटी कहलाता है। तो अब यहाँ पे हमें लिखना है शेयर होल्डर, क्योंकि जो भी पैसा आया है वो शेयर होल्डर की वजह से आया है, तो शेयर होल्डर की कैटेगरी आएगी इसके अंडर में, और इसके अंडर भी एक कैटेगरी आएगी जिसका नाम हम देते हैं शेयर कैपिटल, क्योंकि जितना पैसा हमें मिला है वो हमने कहाँ डाला है, शेयर कैपिटल अकाउंट में डाला है। कितना पैसा डाला है अभी हमने यहाँ पे क्लियर नहीं करा है, लेकिन इसके लिए हम डाल रहे हैं नोट नंबर वन। नोट नंबर वन इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम इसको डिस्क्राइब कर सकें कि ये पैसा कहाँ कहाँ से किस किस फॉर्म में आया, उसको हम डिटेल में बताएंगे। तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे नोट नंबर वन, यानी कि ये जो नंबर वन लिख रहे हैं इसके लिए ये बनेगा नोट्स टू अकाउंट का एक फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे हमें तीन चीज लिखनी होती है, नंबर वन ऑथराइज कैपिटल, फिर इशूड कैपिटल, और सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, मतलब हमारे पास कितने कैपिटल थी, हमने मार्केट में कितनी कैपिटल इशू करी और कितने का हमें पैसा मिला। तो सबसे पहले देखते हैं ऑथराइज हम कितने के लिए थे। आपको याद होगा हम थे यहाँ पे ऑथराइज, जो हम थे यहाँ पे, हम नंबर वन में यहाँ पे मेंशन करेंगे 7500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, इससे कितनी वैल्यू बनती है, इससे बनती है 7,50,000 रुपए, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास दूसरे कौन से शेयर थे, हमारे पास थे 2,500 प्रेफरेंस शेयर भी थे हमारे पास, ठीक है, ऑफ 100 ईच। अब इससे कितनी वैल्यू बनती है, इससे बनती है हमारे पास 2,50,000, ठीक है। इससे तो हमें पता चला कि टोटल हमारे पास 1,000,000 की वैल्यू के शेयर्स अवेलेबल थे, लेकिन हमने मार्केट में उतारे कितने, आपको ध्यान होगा हमने उतारे थे 1,000 इक्विटी शेयर्स एट 100 ईच। तो इससे कितना पैसा आया था हमारे पास, इससे आया था हमारे पास 1,00,000 रुपए, ठीक है। हमने जो उतारे वो 1,00,000 रुपए इक्विटी के थ्रू उतारे हैं, और हमने फिर 500 प्रेफरेंस शेयर भी उतारे हैं एट 100 ईच। अब इसमें कितना पैसा है हमारे पास, इसमें हमारे पास 50,000, ठीक है, ये भी हो गया। लेकिन इसमें से पैसा कितना मिला हमें पूरा,
मतलब पूरा मिला या कुछ रुक गया? हमें तो पूरा ही मिला, हमने तो इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं पढ़ा ना कि हमने 1000 शेयर इशू करे तो उसमें से लोगों ने मना कर दिया कि भाई हम 100 शेयर का पैसा नहीं देंगे, ऐसा तो इस क्वेश्चन में कहीं नहीं पढ़ा। तो यानी कि सब्सक्राइब भी कितने हुए, तो सब्सक्राइब भी पूरे हो गए, तो यहाँ पे हम सेम लिख देंगे 1000 इक्विटी शेयर एट 100 ईच और सेम लिख देंगे हम यहाँ पे 500 प्रेफरेंस शेयर एट 100 ईच। तो हमारे पास कितना कितना पैसा आया, हमारे पास 1 लाख यहाँ पर आ गया, हमने दिखा दिया, कुछ भी कम नहीं आया, पूरा पूरा पैसा आया जितना हमने इश्यू करा था, और 50,000 यहाँ आया, जिसका मतलब टोटल कितना आया, 1.5 लाख रुपए हमारे पास आया। अब ये 1.5 लाख को हमें कहाँ दिखाना है, ये 1.5 लाख को हमें दिखाना है हमारे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो अमाउंट आता है वो पूरा ये वाला आता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज हमें यहाँ पे करनी थी। इसके बाद बनता है हमारे पास इसमें कैश बुक। कैश बुक के लिए हमें क्या बताया जाता है, भाई सिंपल सी चीज, जो भी पैसा आपने रिसीव करा है उस सारे पैसे को आप यहाँ पे मेंशन कर दो, ठीक है। उस सारे पैसे को आप क्या करो, यहाँ पे मेंशन कर दो। तो आपने क्या क्या लिखना है, आपने जैसे सबसे पहले आएगा 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और इसी तरह से इसके बाद कौन सा पैसा आया था आपके पास, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, है ना। तो आपको ध्यान होगा आपके पास इक्विटी एप्लीकेशन के नाम पर कितना पैसा आया था, वो आया था आपके पास 10,000। फिर आपके पास प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन के नाम पर कितना पैसा आया था, भाई 12,500 आए थे, आप चेक कर सकते हो। फिर इसके बाद आपके पास किस चीज का पैसा आया था, आपके पास आया था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा। फिर इसके बाद आया था आपके पास 2 प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट का पैसा, है ना। फिर इसके बाद फिर से आपके पास पैसा आया था किस चीज का, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक। फिर इसके बाद आया था प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फिर लास्ट में पैसा आया था आपके पास 2 इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब इनमें क्या करना है, हमें अमाउंट मेंशन करना है, कौन कौन से अमाउंट आएंगे वो आपको बहुत इजीली पता चल पा रहा होगा, है ना। अलॉटमेंट में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना आया था हमारे पास, 40,000 रुपए आए थे, है ना। फिर यहाँ पे हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट हुआ था वो कितना आया था, भाई हमारे पास 12,500 रुपए आए थे। फिर इसके बाद जो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल थी हमारे पास, है ना, उसमें कितने रुपए आए थे हमारे पास, वो भी आपको ध्यान आ गया होगा, है ना। तो इसके बाद हमारे पास फिर हमें मेंशन करके दिखाना है, यहाँ पे आए थे हमारे पास 25,000 रुपए, तो वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। फिर प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल में कितने रुपए आए थे हमारे पास, वो भी हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा, है ना। तो वो कितना आए थे, वो भी 25,000 रुपए आए थे। इसके बाद जो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा आया था वो कितना आया था, वो भी 25,000 यानी कि 25,000 रुपए आए थे। अब जब हम इन सबका टोटल करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे 1.5 लाख रुपए। तो हमने पूरा पूरा 1.5 लाख रुपए रिसीव करा है। अब इसे क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जस्ट सामने फॉरवर्ड करना होता है, यहाँ पे हमने करा इसे फॉरवर्ड, इसे मेंशन करा यहाँ पे कि क्रेडिट साइड में कोई आइटम नहीं है, तो इसलिए अब यहाँ पे आ जाएगा ये ऐसे एज इट इज, ठीक है। और इसको नाम दे देंगे हम बाय बैलेंस सीडी, हो गया। तो इतना सा बनता था हमारा इसमें जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट और साथ साथ कैश बुक। तो आई होप इजी लगा होगा। अगर शेयर्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उसे गो थ्रू करो, चैप्टर के नोट्स बनाओ और फिर मेरे साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में।